आर आर बी में फाइनल ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं या नहीं ये सवाल काफी बार बच्चों की तरफ से आता है तो देखिए मैं बता देता हूँ इसका नोटिफिकेशन ही अगर आप देख लें तो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है। अगर आप नोटिफिकेशन के पेज नंबर थ्री पे जाएंगे तो यहां पर जो पॉइंट नंबर है आपका वन पॉइंट फोर इसमें देखिए बिफोर अपलाइंग फॉर द पोस्ट फॉर द सी एन कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड और इसमें हाईलाइट करके भी पर्टिकुलरली लिखा गया है कि जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होती है उससे पहले अगर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि डिप्लोमा या फिर बी ठीक है ना जो भी आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या बी के स्टूडेंट हैं आपको एक्वायर होनी चाहिए मतलब आपकी पूरी हो जानी चाहिए आपके रिजल्ट में लिखा होना चाहिए कि आपने पास आउट कर लिया है डिप्लोमा या तो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो इसको नहीं भर सकते लेकिन जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले ठीक है ना अपनी डिप्लोमा या बीटेक को पूरा कर लेते हैं वो इसके लिए एलिजिबल जरूर हैं ठीक है तो आपके पास डिप बीटेक या डिप्लोमा सिंपल शब्दों में अगर एक लाइन में कहूं तो कंप्लीट होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप नहीं भर सकते और यह चीज यहां पर क्लियरली लिखी गई है दोटिंग रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल एंड एलिजिबल्ड शुड नॉट अप्लाई तो आपको और भी कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं